सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों अभी 2 दिन पहले की बात है, जो गाड़ी की स्टीयरिंग देख पा रहे हो इसमें जो हल्के हल्के छेद हैं इनमें मतलब अपन क्या है कि जैसे अपन कभी कभी चिंगटे जो हाथ होते हैं जिनमें कुछ तेल मुलायम पसीने की वजह से इनमें मिट्टी होती है वो जम जाती है तो ये बिल्कुल फिसलने लग जाता है। ऐसे हालातों में मेरी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है करीब 2 साल से मैंने चेंज नहीं की थी तो स्टीयरिंग का जो कवर है फिसलने लग गया और इसके जो छिद्र है ये मुझ गए यानी बंद हो गए। इस दौरान मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है इसका जो कवर है ये बदल दिया जाए। तो हमारे मित्र साथी है उनके पास से ही मैं गाड़ी की रिपेयर वगैरह सब कुछ वहीं से करवाता हूँ और गाड़ी की एसेसरीज तो यार वो एकदम ब्रांड आपको देते हैं और एकदम शानदार तरीके की आपको एसेसरीज वो देंगे। तो मैंने वहीं से ही कवर लगवाया है, सीट कवर। इनकी क्वालिटी आप देखना और वहाँ से आप ले सकते हो, जयपुर के अंदर है 12 मील चौकीडानी के पास में आविष्कार डेकोर, कार डेकोर के नाम से, तो वहाँ से ले सकते हो। लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है यार बढ़िया क्वालिटी दी है, यकीन मानो दोस्तों जो कंपनी वाले होते हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। कंपनी वाले कभी भी मतलब कार की जो एसेसरीज होती खुद नहीं बनाते, वो भी किसी से इम्पोर्ट करते हैं फिर लास्ट में उनके ऊपर उन खुद का टैग लगवा देते हैं और फिर आपको महंगे दामों में बेचते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, आपको प्रूफ देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे आप जा करके देख लेना। उस जो कार डेकोर जहाँ से मैं लगवाता हूँ वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, कौन सी कंपनी आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाती है, कौन से सीरीज कौन बनाता है कौन नहीं, जो भी जितने भी चीज़ें होती है सीट कवर वगैरह सब बाहर के जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो कंपनियाँ वाले होते हैं शॉप वाले होते हैं वही बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक सीट कवर ये लगवाया था, जो सीट कवर मैंने वहीं से लगवाए थे और इसका ये स्टीयरिंग कवर मैंने लगवाया है। तो आप इस स्टीयरिंग कवर को देखिए, मैं कुछ डिटेल वीडियो आपको इसमें बताता हूँ। दोस्तों इस तरह का कुछ लुक आएगा और देख सकते हो आप गाड़ी की जो स्टीयरिंग है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पतली हो, पहले जो थी बहुत मोटी थी जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये हम इसको हटा रहे हैं गाड़ी की जो स्ट्रिप है इनको, और काफ़ी मोटी मोटी सी थी, भद्दी भद्दी सी लगती थी। तो अब मैंने इसमें चेंज करवा लिया और अब मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी गाड़ी की जो नई वाली जो स्टीयरिंग मैंने लगवाया, ऐसा लगता है इसे कंपनी खुद बना करके दी हो, इसी में फिटिंग हो बिल्कुल। इसकी जो क्वालिटी दी है देखो बंदे ने कितनी गजब तरीके की इनमें फिटिंग की है, सिलाई वगैरह, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई कवर है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल जो होती है कवर है, ओरिजिनल कवर या ओरिजिनल स्टीयरिंग ही है। पर दोस्तों यकीन मानो ये दूसरा है कवर है, इसके नीचे देखो स्टीयरिंग आपको देख पा रही होगी, नीचे स्टीयरिंग है और यहाँ से मैंने इस पे कवर लगाया है, ये यहाँ पे देखो क्वालिटी बढ़िया तरीके की है। उसके नीचे देखो धीरे धीरे आप आते हो नीचे, देखो ये क्वालिटी बढ़िया तरीके से उन्होंने फिटिंग करके दी है। देखो ये फिनिशिंग देखो इनकी यार, आप एक एक चीज़ देख पा रहे होंगे इस तरह से उन्होंने फिनिशिंग मैंने खुद ने करवाई, खैर समय लगा करीब 1 घंटा लेकिन उसमें चीज़ बढ़िया करके दी है इन्होंने। तो ये कुछ मैंने करवाई इसमें एसेसरीज़ में, तो आपको भी अगर लेना है कहीं पर भी कुछ भी ऐसा करवाना है, क्योंकि मैन अगर अपना जो हाथ जाता है वो यहीं पर जाता है तो लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप वगैरह बहुत शानदार तरीके की फिटिंग है। और ये जो इसका लेदर है स्टीयरिंग का अलग आता है, सीटों का अलग आता है, तो ये स्टीयरिंग का कवर है बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ में, मुझे करीब 370 या 380 के समथिंग पड़ा है कंप्लीट A to Z जितना भी करके, बाकी शानदार क्वालिटी में है तो आप ये ले सकते हो। वैसे भी दोस्तों बदला लेना चाहिए हर मतलब 5-7 महीनों में, क्योंकि इनके ऊपर जो छिद्र है ना इन छिद्रों में मिट्टी जम जाती है तो अपने पैर जो अपने हाथ होते हैं वो फिसलने लग जाते हैं और कभी कभी ड्राइविंग में दिक्कत हो जाती है। और ज़्यादातर मैं क्या कि जैसे ड्राइविंग करता हूँ तो एक हाथ यहाँ रखता हूँ ऐसे, मतलब बहुत इजी स्टीयरिंग है, तो ऐसा ऐसे करके नॉर्मल घुमा देता हूँ इसको, तो फाइन मतलब मुझे यही होता है कि एक दो बार मेरा हाथ फिसल गया तो एक्सीडेंट होते होते बचा, तो इसलिए रखें इसको ऐसा करके। और जब भी आपकी जो स्टीयरिंग की सिलाई होती है उसको हम नॉर्मली यहीं पर रखें, क्योंकि जो अपना हाथ होता है वो यहीं पर होता है ज़्यादातर, तो मतलब पूरी स्टीयरिंग का जो होता है एक कवर जो देखो जैसे दब जाती है, जो उसकी गांठ होती है यहाँ पर, और गांठ दबने के बाद में स्टीयरिंग बहुत प्यारी खिल करके आती है। तो आप ये इस तरह से स्टीयरिंग लगवाइए ये बढ़िया ढंग से फिनिशिंग के साथ में। तो दोस्तों बदलवाते रहिए स्टीयरिंग वगैरह इस तरह से, गाड़ी की जो फिनिशिंग है गाड़ी की अच्छी लगती है, ग्रिप वगैरह, कंपनी में जाते हो बेवकूफ़ बन जाते हो, क्यों क्या फ़ायदा है वहाँ पे जाने से, क्यों इतनी महंगी महंगी चीज़ें वो करवाते हो। तो वही है कंपनी वाले भी आप ये जैसे कि नॉर्मली जो भाई साहब ने मेरे लगा करके दी है उसी स्टोर से उन्हीं से मंगवाते हैं, तो ये कंपनी वाले यहाँ से आप लगवा सकते हो। ओके दोस्तों।